तो बिल्कुल आज कुछ नया प्रोडक्ट आप देखने वाले हो मेरे वीडियो में पहली बार। बहुत ज़बरदस्त वाला बम्पर और बहुत ज़बरदस्त वाली हेडलाइट जो इस गाड़ी में लगने वाली है और लग चुकी है बल्कि। और इससे ज़बरदस्त बम्पर मेटल के अंदर नहीं आता, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है इसकी, लुक बहुत अच्छी है। लग जाएगा तभी आपको समझ में आएगा, बट समझ में ज़रूर आएगा क्योंकि इसकी लुक जेन्युइनली बहुत अच्छी है। हाय दोस्तों, हमारा जो आज का वीडियो महिंद्रा थार के बारे में, और आज हमारे पास 4x2 महिंद्रा थार वाइट कलर में यहाँ पे आई है मॉडिफाई होने के लिए। इसमें बहुत ज़बरदस्त वाला हम काम करने वाले हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे बम्पर की तैयारी चल रही है और ये पहले अभी सिर्फ इसका क्लैम्प टाइट हुआ है, तो आप देख रहे होंगे कुछ यूनिकनेस आपको नज़र आ रही होगी। तो बिल्कुल आज कुछ नया प्रोडक्ट आप देखने वाले हो मेरे वीडियो में पहली बार। बहुत ज़बरदस्त वाला बम्पर और बहुत ज़बरदस्त वाली हेडलाइट जो इस गाड़ी में लगने वाली है और लग चुकी है बल्कि। तो और भी अच्छा अच्छा प्रोडक्ट लगने वाले हैं इस गाड़ी में, एक बार काम खत्म होता है फिर आपको दिखाते हैं। प्लस इस गाड़ी में हमने लगाई है अजूम की हेडलाइट जो काफ़ी हैवी है, और मैं आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ मोस्ट पावरफुल हेडलाइट जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल है फॉर महिंद्रा थार। इससे ज़्यादा पावरफुल हेडलाइट नहीं आती है। और अगर आप लुक की बात करते हो तो लुक भी इसकी बहुत ज़बरदस्त है। आप देख सकते हो इसकी DLL जो इसके स्टाइल में है, अंदर जो इसकी ब्लैक कलर की हाउसिंग है, ये सिल्वर कलर की हाउसिंग में भी अवेलेबल होगा जो नेक्स्ट लोड आएगा उसके अंदर। प्लस ड्यूल लेंस है आपका लो बीम और हाई बीम में, और लाइट का जो डेमो है वो तो आपको अंधेरा होते ही दे देंगे हम, उसमें तो कोई डाउट बिल्कुल भी मत करना, वो तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, तभी आप बने रहेंगे लास्ट तक क्योंकि इसका लाइट का डेमो आपको मिलेगा। ग्रिल इसमें हमने लगाई है बुलहॉर्न की ABS स्टाइल में, आप देख सकते हो 7-स्लॉट ग्रिल है ये। इसमें अंदर मेटल मैश है और जो इसके स्लॉट्स हैं आप देख सकते हो यहाँ पे रूबीकॉन स्टाइल में इसमें बैंड आया हुआ है, तो काफ़ी अच्छी ग्रिल है, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, कलर एग्जैक्टली मैच करता है गाड़ी के साथ में, तो ये भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ। बम्पर जो इसमें हम लगा रहे हैं मेटल वाला लगा रहे हैं प्रोमैन का, आप देख सकते हो उसमें प्रोमैन की ब्रांडिंग हुई हुई है, और इससे ज़बरदस्त बम्पर मेटल के अंदर नहीं आता, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है इसकी, लुक बहुत अच्छी है। लग जाएगा तभी आपको समझ में आएगा, बट समझ में ज़रूर आएगा क्योंकि इसकी लुक जेन्युइनली बहुत अच्छी है। हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, आपके सामने रेडी है महिंद्रा थार, और कितनी ज़बरदस्त लग रही है। आप देख सकते हो कि जो फाइनल आउटलुक आई है, फाइनल लुक आई है, बहुत ज़बरदस्त है, मज़ा आ गया देख के। बम्पर बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा है, मैचो लुक में है, हेडलाइट कितनी अच्छी लुक के अंदर है, ग्रिल कितनी अच्छी लग रही है, तो ओवरऑल फ्रंट लुक गाड़ी की बहुत ज़बरदस्त हो चुकी हुई है। पहले मैं आपको अजूम की हेडलाइट का डेमो देता हूँ। स्टार्ट करेंगे जब हम गाड़ी को तो ये पहले ब्लू ऑन होगी, फिर अल्टीमेटली ये आपका वाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं। ये आप देखो वाइट हो गई, ये आपका लो भी मोन हो चुका है और बहुत लाइट है इसकी, दिन का टाइम है इतना पता नहीं लग रहा होगा, थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा, आपको डेमो देंगे इसका लास्ट में। ये इसका हाई भी मोन हो गया, तो ओवरऑल जो इसकी लाइट है वो बहुत अच्छी है। इससे पहले वाला भी हमने एक वीडियो डाला है अभी धूम का हेडलाइट का ही, उसमें भी आपको डेमो दिख जाएगा इसका लाइट का, बहुत ज़बरदस्त है, रात को कितना मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने के अंदर। और लुक वाइज अगर आप देख सकते हो तो बहुत अच्छी है, इसको हम कह सकते हैं एप्पल लुक दी हुई है उन्होंने, तो नई लुक है, डिफरेंट लुक है मार्केट से। इसमें सिल्वर हाउसिंग में भी जल्दी आने वाली है। इसके अलावा इसमें हमने ग्रिल लगाई है बुलहॉर्न की 7-स्लॉट वाली, जिसमें आपको यहाँ पे बैंड मिलता है जो रैंगलर स्टाइल के अंदर है, और जो सबसे बढ़िया और हेडलाइट के अलावा जो सबसे बढ़िया चीज़ गाड़ी में हमने लगाई है वो इसका बम्पर है मेटल वाला प्रोमैन का, आप देख सकते हो प्रोमैन की पेजिंग हुई हुई है। तो ये कंप्लीट सेट आता है आपका, जिसमें आपको ये ऊपर वाला पीस मिलता है, ये बम्पर मिलता है, और साथ में आपको नीचे अंडर बॉडी भी मिलती है, और प्रॉपरली आप देख सकते हो एग्जैक्ट मैचिंग है, कोई फर्क नहीं है। बाजार में बहुत सारे बम्पर आते हैं, बहुत लोग बनाते हैं, बट कोई परफेक्शन नहीं दे पाता, बट प्रोमैन का जो है वो 100% परफेक्शन के साथ में है। एग्जैक्टली इस जगह से स्टार्ट हो रही है और इस जगह तक आपका कंप्लीट, जहाँ पे गाड़ी ख़त्म हो रही है वहाँ पे आ रहा है। इसमें हमने साथ में अजूम का फॉग प्रोजेक्टर भी लगाया है, ये देख सकते हो आप, इसे कहते हैं बाईफोकल LED प्रोजेक्टर अजूम का, जो बहुत ज़बरदस्त लाइट देती है। तो ओवरऑल इस गाड़ी के अंदर जो लाइट है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है, हेडलाइट की चाहे लाइट की बात करें चाहे फॉग लाइट की बात करें,
तो लाइट में कोई भी कमी नहीं आने वाली है। तो ये गाड़ी बन चुकी है A++, मतलब इससे अच्छी आपने थार नहीं देखी होगी, इतना बढ़िया कॉम्बो नहीं देखा होगा किसी थार के अंदर, जिसमें अजूम की हेडलाइट भी लगी है और प्रोमैन का बम्पर लगाओ, साथ में अजूम की फॉग लाइट। तो ये कॉम्बो आप शायद पहली बार देख रहे होंगे महिंद्रा थार के अंदर। इसमें प्रोमैन का हमने हिंज भी लगाया जो ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन के अंदर है, और प्रोमैन की आप तो जानते ही क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त है, कोई कमी नहीं किसी भी चीज़ के अंदर, तो ये भी आप अपनी गाड़ी में लगवा सकते हो। इसके अलावा इसमें हमने ग्रैब हैंडल भी लगाया प्रोमैन का, ये भी ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन में है। यहाँ पे भी आपको ग्रिप मिल जाती है पकड़ने के लिए, और यहाँ से भी आप पकड़ के आराम से उतर सकते हो, चढ़ सकते हो। सामने की तरफ देखो तो वहाँ पे आपको ओपनर भी मिल जाता है ड्राइवर साइड पर। इसके अलावा अगर हम पीछे की बात करते हैं, मैट्रिक स्टाइल में ऑन होती है रनिंग स्टाइल के अंदर, और डॉट 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 है, ये बिल्कुल नया डिज़ाइन आया है। पहले इसमें आप देखते थे ये सिंगल होती थी लाइट पूरी, तो ये डॉट 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 के अंदर है, कुछ डिफरेंट डिज़ाइन आया, अच्छा लग रहा, तो मैंने कस्टमर को ये रिकमेंड किया और देखने में भी अच्छी है। रिवर्स में ये आपकी वाइट लाइट ऑन हो जाएगी, इंडिकेटर में ये मैट्रिक स्टाइल आ जाएगा रनिंग में। ऐसे ही इसमें हमने रिफ्लेक्टर भी लगाया जो मैट्रिक स्टाइल के अंदर है, मैचिंग है टेल लाइट से। तो हमारी थार कंप्लीट हो चुकी हुई है, और आपको मैंने एक ज़बरदस्त वाला कंटेंट दिया है थार के अंदर। अगर आपको भी ऐसा बढ़िया वाला काम कराना है तो आप विजिट कर सकते हो ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम में। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।